हाँ जी बेटा, ये कल की क्लास में हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के मेरिट्स एंड फीचर्स किए थे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, और ये एंटरप्राइजेज ऐसी होती हैं जो पार्लियामेंट में कोई स्पेशल, इनको बनाने से पहले एक स्पेशल एक्ट मतलब एक कानून पास किया जाता है, और उस कानून में ही बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करेंगी, इनकी क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या इनके फंक्शंस होंगे, कैसे इनके पास फंडिंग आएगी और कैसे इसका मैनेजमेंट होगा। एवरीथिंग इज़ डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। और इसको मैंने ये बताया था कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो है कोई भी गवर्नमेंट इसको स्टार्ट कर सकती है, और इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कुछ, जैसे हमारा CBSE, SEBI और LIC, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UTI और काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के रूप में स्टार्ट किए गए थे। अब जब किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं बेटा, तो हमें साथ में उसके लिमिटेशंस यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो लिमिटेशंस का मतलब है प्रॉब्लम्स, कि इसमें हमें क्या क्या समस्याएँ, सीमाएँ, मतलब इसमें क्या क्या कहाँ पर हम लोग रह जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एन्जॉय एज मच ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी एज सेड, कि जैसा हमने बार बार कहा कि इसमें अपना एक्ट बना होता है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है इसमें मैनेजमेंट लिया किया जाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इसमें उतनी, कहने के लिए ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि डिसीज़न लेने की जो पावर है वो कंपैरेटिवली इसमें कम है, जैसा कहा जाता है उससे कम है, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट का इसमें फंडिंग सारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो इनको गवर्नमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, और ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती भी है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, जहाँ बहुत ज़्यादा फंड्स हो या जब मेजर डिसीजन लेता है, लेने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस होती है। जैसे आपके जब CBSE के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपने देखा कि अब की बार जब हमें कोविड के टाइम पर डिसीज़न लेना हुआ, तब गवर्नमेंट हमारे जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने साथ में CBSE के साथ बैठकर डिसीज़न लिए, और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर काम हुआ। जहाँ पर भी मेजर डिसीजन लेना होता है, वहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। देन देयर इज़ डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर अगर पब्लिक डीलिंग होती है, तो वहाँ पर कई बार यहाँ पर करप्शन भी इवॉल्व हो जाती है, अगर हमेशा नहीं होती, बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कई बार करप्शन भी आने के चांसेस होते हैं। और गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड्स, दिस कब द फ्रीडम ऑफ द कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर डिसीजंस, कि गवर्नमेंट ने इसमें अगर फंडिंग की है, गवर्नमेंट इसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है इसमें एडवाइजर्स अपनी तरफ से अपॉइंट करती है, तो पूरी तरीके से ये लोग जो हैं हम फ्रीली जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी काम नहीं कर पाते। तो कुछ लिमिटेशंस इसकी हैं, लेकिन बेटा चाहे कुछ भी हो, जब गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, तो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस उसे बनानी होती हैं। और जो है फिर भी इन्होंने हमारी इंडिया की जो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, जहाँ पर भी गवर्नमेंट को यूनिफॉर्मिटी चाहिए एक्शंस में, और पूरी कंट्री में, थ्रू आउट कंट्री में सेम टाइप की ऑपरेशनल जो है एक्टिविटी चाहिए, तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। बेटा बता सकता है कोई इससे पहले दो और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक सेक्टर में स्टार्ट की जाती हैं? कौन सी दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक सेक्टर में ही स्टार्ट की जाती हैं? बेटा कुछ आंसर दिया करो घर से। फर्स्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन मैंने कौन सी करवाई थी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हम कर चुके हैं। अब हम थर्ड जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर में स्टार्ट की जाती है, वो है गवर्नमेंट कंपनी। तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी, जैसा कि मैंने आपको जब हमने प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस की थी उसमें बताया था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होती है,
लेकिन इसमें एक अंतर होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग की हो, गवर्नमेंट के शेयर्स हों, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी और इस कंपनी की जो वर्किंग है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर की जाती है। और लेकिन फ़र्क इसमें और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ़र्क यही है कि अगर वो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हो तो कम से कम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के इसके अंदर होते हैं। यानी अगर 51% से कम शेयर्स गवर्नमेंट के हों तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर की जॉइंट स्टॉक कंपनी मानेंगे, या गवर्नमेंट का बिल्कुल भी शेयर ना हो तो भी वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मानी जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट का उसमें मेजर शेयर है, मेजर शेयर मतलब 51% या उससे ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं, गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो देखो बेटा, गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट। कि कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट की जाती है और वो उसी के अंडर रजिस्टर होकर उसी के अकॉर्डिंगली काम करती है। यानी कि एक पब्लिक, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी विच हैज़ बीन स्टार्टेड, विच हैज़ बीन फंडेड बाय द गवर्नमेंट, विच हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट या नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखे होंगे वो शेयर्स, या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, या कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी कोई गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकती हैं। तो बेटा ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनी एक्ट 2013 में के अंडर काम करना पड़ता है, कितने परसेंट उसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, या गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कंपनी में शेयर्स कौन कौन, गवर्नमेंट कौन कौन सी गवर्नमेंट खरीद सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसके एमसीक्यू के बन सकते हैं, तो इनको आप तैयार करना। और इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर्स कौन किसके नाम से खरीदे जाते हैं। तो शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो शेयर होल्डर का नाम है ना, जैसे अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है तो वो अपने नाम से खरीदता है, लेकिन जब गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से उन शेयर्स को खरीदती है। सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी, नेचुरल बात है कि जब ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट ने उसमें अपना पैसा लगा रखा है, तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी होता है। एक्सेस मैनेजमेंट में गवर्नमेंट देखती है कि मैनेजमेंट उसका सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है बेटा, अब हम फीचर्स, हालांकि हमने डेफिनेशन के साथ ही फीचर्स कर लिए हैं, तो देखो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे कि जो है कंपनीज एक्ट 2013 जो है एक नया अमेंडेड जो लॉ है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था और अमेंडमेंट के बाद कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हो चुका है। तो चाहे वो 1956 से बना हो या कोई और अमेंडमेंट आई हो, अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा चेंजेस, सुधार। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी पुराने एक्ट के